इस शर्ट से। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई। इस शुभ अवसर पर कोतवाली थाना और सीमा पर स्थित एसएसबी कैंपों, औद्योगिक संस्थानों, आबकारी विभाग, तहसील, विकास खंड समेत प्रतिष्ठानों व स्कूलों में झंडारोहण किया गया। साथ ही राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट ने भी झंडारोहण किया और आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले और योगदान करने वाले क्रांतिकारी शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों के द्वारा झंडारोहण के साथ देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा हेतु संकल्प लेते हुए देश के गौरव और सम्मान को उच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए संकल्प लेते हुए लोगों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित किया गया। साथ ही जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्रवाद व भाषावाद से ऊपर उठकर देश व समाज की सेवा करने के लिए भी अपील किया गया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर खटीमा सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। पुलिस के साथ साथ इसमें सभी विभाग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अलग अलग तरीके से सजावट व कार्यक्रम करके त्योहार मनाया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर जनता, पुलिस कर्मियों व अन्य विभागों के कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने तथा काम करने का संदेश। नशे के संबंध में उन्होंने बताया कि नशा करने वालों में सुधार हो, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इसमें पुलिस के साथ साथ सभी विभाग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से सजावट और कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें यही संदेश रहेगा कि जो हमारे पुलिस की तरफ से संदेश रहेगा कि जो हमारे जनता के वासी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो अलग विभाग के हैं, वो स्वतंत्र रह के अपने विचार व्यक्त करें और स्वतंत्र रह के ही काम करें, किसी के दबाव में काम न करें, निष्पक्ष। लेकिन नशा करने वालों के लिए हमेशा से ही पुलिस का एक तरफा रवैया है कि या तो उनमें सुधार हो या इनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाएगी। तो हम दोनों तरफ ही प्रयासरत रहते हैं कि ऐसे नशे की गिरफ्त में जो लड़के हैं, अगर वो इससे बाहर नहीं आते तो हम पहले तो रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे बाहर से सप्लायर या इस टाइप का कोई चेन जो कड़ियों को जोड़ते हुए सप्लाई करता है, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं।